हाय एवरीवन, वेलकम टू नोबल टेक एजुकेशन चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पाइथन सीरीज में आज का टॉपिक है वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई एंड कैन हैव अ मोर देन अ लॉन्ग नेम लाइक एज, कार नेम एंड टोटल एंड एक्सेट्रा एज वेल। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। अन वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अंडरस्कोर। एंड वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। ओके, ये इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे, पहले इस इंफॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। और आप सभी को पता है बिना प्रैक्टिकल के ये चीजें कवर अप नहीं हो सकती। तो चलिए प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और इन रूल्स को वहां पे अप्लाई करते हुए इनको समझते हैं। मैं अपनी फाइल पे आ गया हूँ, सो यहाँ मैं कोड लिखने जा रहा हूँ। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मैंने अभी बताया था कि वेरिएबल का नेम शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स और यहाँ पे लिखना आपको इक्वल, और देन आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल। पाइथन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल कभी भी विदाउट वैल्यू डिफाइंड आप पाइथन में नहीं कर सकते। जब कभी भी आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो आपको वैल्यू भी डिफाइन करनी होती है। ओके, तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए कैसे क्या यूज करना होता है, हमें हमेशा इक्वल साइन का यूज करना होता है। मतलब कि हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल डिफाइन किया जाता है और इक्वल का यूज करते हुए। इक्वल हमारे एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, ये बात भी आप ध्यान रखना, जब हम ऑपरेटर पढ़ेंगे तो इस इक्वल साइन को भी मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, बाकी आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। और राइट हैंड साइड हमेशा आपकी वैल्यू आती है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विजय सर। ओके, अब ये तो हो गया शॉर्ट नेम। ओके, यहाँ देखो ये शॉर्ट नेम है, मैंने बताया था वेरिएबल आपका शॉर्ट नेम लाइक एक्स और वाई भी हो सकता है, बाकी मोर देन वन करेक्टर भी हो सकता है। तो देखते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ डिफाइन कर दी, ऐसे ही आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोर करेक्टर का एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पे नोबल और दूसरा दे दिया मैंने एज लाइक। ओके, तो मैंने यहाँ पे एज 100 दे दी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन किया है वो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर लिए हैं और दो स्ट्रिंग ली है। ठीक है, और जो वेरिएबल डिफाइन हुए हैं दो शॉर्ट फॉर्म में है और दो लॉन्ग फॉर्म में है। ओके, अब आप सभी लोग जानते हैं कि इनको शेल पे प्रिंट कैसे कराते हैं, क्या कमांड यूज होती है, प्रिंट फंक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सभी सभी वेरिएबल्स को प्रिंट करने जा रहा हूँ। एक्स वाई प्रिंट नेम प्रिंट एज। ओके, शॉर्ट फॉर्म होती है फाइल को रन करने के लिए फंक्शन F5। मैं एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे फंक्शन की यूज करना पड़ता है, नहीं तो आप अदर लैपटॉप्स में जैसे डेल में आप डायरेक्ट। विदाउट फंक्शन की के यूज कर सकते हैं, तो ओनली आपको F5 प्रेस करना है। और मैं आपको ओके किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया। अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि पाइथन में वेरिएबल्स का जो नेम है वो आप सिंगल वर्ड, सिंगल करेक्टर और मोर देन वन करेक्टर भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि पहला रूल है कि वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये रूल अप्लाई होता है। अब लेटर तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे देखो लेटर ही स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, तो अंडरस्कोर भी होता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया हमने, और अंडरस्कोर लगा के हमने कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी, जैसे 45 दे दिया। ठीक है, तो मैंने अंडरस्कोर के साथ यहाँ पे क्या दिया, 45 दिया है। सो स्टार्ट विद अंडरस्कोर, ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे 45 दिया और इक्वल लगाया, और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है, नाउ इसको प्रिंट करते हैं, अंडरस्कोर 45। अब देखते हैं क्या ये प्रिंट होगा। मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं होगा, आपने रूल तो ये बोला था कि हमेशा स्टार्ट विद किससे होता है, अंडरस्कोर से होता है, और स्टार्ट हमेशा कभी भी वेरिएबल की का जो नेम है वो किससे स्टार्ट नहीं होता, न्यूमेरिक से। बट यहाँ तो न्यूमेरिक भी आया है, देखते हैं यहाँ पे आंसर आता है नहीं आता है। तो देखिए आपको यहाँ पे 100 मिल रहा है, क्योंकि हमने अंडरस्कोर 45 की वैल्यू भी हमने 100 ही प्रोवाइड की है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज देखनी चाहिए कि रूल्स में साफ लिखा था कि जो वैल्यू है, जो जो वैल्यू हमने 100 प्रोवाइड करी है अंडरस्कोर 45, वो जो 45 है वो आफ्टर अंडरस्कोर आ रहा है, ना कि बिफोर अंडरस्कोर। तो हमारा रूल ये स्टार्ट होता है, हमारा रूल पहला सही है कि अंडरस्कोर आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आप यहाँ पे कैपिटल ए भी प्रोवाइड कर, जैसे मैंने दिया ए, ओके, और यहाँ पे कोई वैल्यू में प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी 46, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ए, तो देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है। जी हाँ, वैल्यू प्रिंट हो रही है ए की, देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है 46। नाउ अगला रूल है कि ये एक केस सेंसिटिव भी है। केस सेंसिटिव कैसे है देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल ए और वैल्यू प्रोवाइड कर दी मैंने यहाँ पे 77, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के साथ ए कॉल करता हूँ, अब कॉलिंग करते वक्त प्रोनाउंस करते वक्त दोनों के नेम क्या है, सेम है, लेकिन जब मैं इनको कॉल करूंगा और इनको इनका जो आउटपुट जब शेल पे देखूंगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल ए की वैल्यू 46 एंड स्मॉल ए की वैल्यू 77। नेक्स्ट है कि आप वेरिएबल डिफाइन करते वक्त आप न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज मैंने अभी वैल्यू प्रोवाइड करी, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल प्रोवाइड करता हूँ 34 इक्वल टू 19, मतलब 34 इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज माई वेरिएबल एंड दिस इज माई वैल्यू ऑफ 34 वेरिएबल। सो एज पर अकॉर्डिंग टू रूल कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिकल डिजिट, सो इफ यू रन दिस फाइल यू विल फाइंड एन मैसेज हेयर दैट शोज कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल हेयर, मे बी यू मीन स्ट्रिक्टली इक्वल इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको गौर करोगे तो यहाँ पे आपको लिटरल वर्ड सुनाई देगा, लिटरल। तो यहाँ लिटरल और वैल्यू दोनों को ही प्रोनाउंस किया जाता है, मीन्स वैल्यू भी बोलते हैं इसको और सेकंड नेम इसको लिटरल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी प्रूफ हो गई कि आप यहाँ पर वेरिएबल एज ए नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सिंपल अंडरस्कोर लिखते हो सो इट इज पॉसिबल, यहाँ पे आप चीज असाइन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड लिखूं और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर और कर दूं, तो देखिएगा मेरे पास आंसर आएगा डबल एस, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है अंडरस्कोर की वैल्यू क्या, डबल एस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैसे एक वेरिएबल्स के रूल्स को फॉलो किया जाता है। ओके, अब एक चीज और देखते हैं, वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स में, वो है मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स, मतलब कि कुछ टर्म्स होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे पहले है कैमल केस, सेकंड है पास्कल केस, एंड थर्ड है स्नेक केस, मतलब कि
जैसे आपको आपको लिखना है फर्स्ट नेम, तो कैसे लिख सकते हैं? आपके पास दो तरीके हैं, तीन तरीके भी हैं। जैसे ए पहले लिखा आपने, एफ नेम, फर्स्ट नेम दिया आपने एफ नेम, ये आपने वेरिएबल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेकंड वे, ठीक है, सेकंड वे क्या है आपके पास? सेकंड वे है जैसे कि एफ इज अ स्मॉल एंड एन एफ नेम, ओके, एंड देन इक्वल, ठीक है। थर्ड इज, इट इज एफ आई आर, सॉरी, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट नेम, दैट इज अनदर नेम, ओके। एंड अनदर थिंग वी हैव टू फॉलो इज, इफ यू असाइन लाइक दिस, फर्स्ट एफ आई आर एस टी, यू हैव अनदर ऑप्शन लाइक दिस, एफ आई आर एस टी फर्स्ट अंडर स्कोर एन ए एम। ओके, नाउ इनको प्रिंट करते हैं। एफ नेम, ओके, तो इनके आंसर्स देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे एरर है, एफ आई आर एस टी होता है। ओके, ठीक है, अब इनका आउटपुट देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया है। मैं इसको, स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, विजय सर, विजय, अजय एंड जिया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसको कहते हैं हम लोग क्या, कैमल केस, इसको कहते हैं हम लोग पास्कल केस, और ये है हमारा लास्ट स्नेक केस। कैसे इनको डिफाइन किया? स्नेक केस में हमेशा अंडरस्कोर आता है, यानी स्नेक स्नेक केस में हर एक वर्ड सेपरेटेड बाय होता है अंडरस्कोर, मतलब कि दोनों को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगाते हैं। और यहाँ पे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? हमारा कैपिटल होता है, इसको कहते हैं पास्कल। और इसमें दो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हमेशा आपका स्मॉल रहेगा, बाकी के सारे कैपिटल, सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।